गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास। लास्ट इंग्लिश क्लास में हमने चैप्टर टू की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। योर फर्स्ट एक्सरसाइज, पुट अ टिक और क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, अगर आप सही है तो आपको टिक करना है, और अगर वो रॉन्ग है तो आपको उसके आगे क्रॉस लगाना है। आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट इज, वी कैन सी वाटर वेपर इन द एयर। क्या हम हवा में वाटर वेपर मतलब भाप, ठीक है, पानी की जो भाप बनती है उसको देख सकते हैं। अगर ये सही है तो आप टिक लगाएंगे, और ये रॉन्ग है तो आप क्रॉस लगाएंगे। हीट चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर, ठीक है। जब हीट मतलब गर्मी, जब पानी को गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज होता है। वाटर वेपर कैन चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉप्स, और वाटर वेपर वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो सकती है। वी कैन सी वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर। क्या हम वाटर वेपर को पानी में चेंज होते हुए देख सकते हैं। द एयर वी ब्रीथ आउट हैज़ नो वाटर वेपर इन इट, ठीक है। हवा में हम जो सांस छोड़ते हैं, आउट मतलब बाहर निकालना, उसमें वाटर वेपर नहीं होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब कहाँ पर राइट आएगा और कहाँ रॉन्ग आएगा वो आपको करना है, क्योंकि आप चैप्टर का वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये आप इजीली कर पाएंगे, और आंसर की में भी आपको इसके आंसर मिलेंगे। नाउ कम ऑन पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पर आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ में आपको ऑप्शन दिए हैं, तो जो सही आंसर है वो आपको चूज़ करना है। ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बेटा अलग से आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, तो यही क्वेश्चन आंसर हम हमारी क्लास वर्क नोटबुक में करेंगे। इंग्लिश की आपने जो अपनी क्लास वर्क नोटबुक बनाई है उसमें आपको सबसे पहले डेट और डे डालना है, राइट डाउन चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम। उसके बाद चैप्टर के नीचे जो भी वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, अगर है तो आपको वो पहले वर्ड मीनिंग्स लिखना है। उसके बाद में आप क्वेश्चन डालेंगे, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, व्हाट वार्म्स द अर्थ, पृथ्वी को गर्म कौन रखता है, द एयर या द सन, ठीक है, हवा या फिर सूर्य। तो क्या आएगा, सूर्य। तो आप आंसर करके लिखेंगे द सन। आपको दोनों नहीं लिखना है, आपको सिर्फ जो राइट आंसर है वही लिखना है। क्वेश्चन आप बुक से लिखेंगे और आंसर भी यहाँ से लिखेंगे, व्हाट वार्म्स द अर्थ, और उसका आंसर लिखेंगे द सन। फिर वन लाइन क्रॉस करके सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट कांट वी सी इन द एयर, ठीक है, हम हवा में क्या नहीं देख सकते, वाटर ड्रॉप्स या वाटर वेपर, ठीक है। वाटर ड्रॉप्स पानी की बूंदे, पानी गिरते हुए तो देख सकते, लेकिन वाटर वेपर हम पानी की जो भाप बनती है उसको नहीं देख सकते। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी हैव वाटर वेपर इन द एयर, ठीक है, हमारे पास हवा में वाटर वेपर कब होती है, ऑल द टाइम या व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है जब, या ऑल द टाइम पूरे टाइम। तो वाटर वेपर हवा में पूरे टाइम होती है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, ऑल द टाइम, ठीक है, इसका आंसर ए होगा, ऑल द टाइम। देन उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, व्हाट चेंजेस वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉप्स, ठीक है, वाटर वेपर को वाटर ड्रॉप्स में कौन चेंज करता है, हॉट एयर या कोल्ड एयर। तो क्या होगा, कोल्ड एयर, क्योंकि जब वो ठंडी हवा में जाती है भाप ऊपर, तो वो किस में चेंज हो जाती है, पानी की बूंदों में, तो क्या आएगा, कोल्ड एयर। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, कोल्ड एयर। ये चार जो क्वेश्चन दिए हैं वन वर्ड आंसर है इनके, ये आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में कंप्लीट करना है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड पावर है, कंप्लीट दीज वर्ड्स विथ ई आर ओ आर या ओ यू आर, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। आप ये ई आर पुट करके देखना, ओ आर पुट करेंगे, ओ यू आर पुट करेंगे, ठीक है, मतलब सही स्पेलिंग बनना चाहिए। फर्स्ट है सी ओ एल, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे तो स्पेलिंग कंप्लीट होगी, ओ यू आर, तो क्या बनेगा, कलर, कलर की स्पेलिंग बनेगी। डब्ल्यू ए टी ई आर, ई आर जब हम इसमें फिल करेंगे तो ये बनेगा वाटर। ऐसे डी ओ सी टी ओ आर, तो क्या बन जाएगा, डॉक्टर। ऐसे ही आपको ये बाकी के भी क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये आप खुद से करेंगे, या फिर नहीं आता तो आप अपनी आंसर की हेल्प लेंगे।
नाउ इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इन द लेसन द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड्स. आपको इनके अपोजिट ढूंढना है लेसन में से और लिखना है. ये क्वेश्चन भी आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करेंगे. ओके पहले तो वन वर्ड वाला क्वेश्चन कर लिया, देन सेकंड क्वेश्चन अपोजिट वर्ड्स करना है. अपोजिट वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ इनकी जो स्पेलिंग्स है वो आपको चैप्टर से ढूंढना है, आंसर में बता रही हूँ. हॉट का कोल्ड, लो, लो मतलब होता है कम तो लो का होगा हाई, हाई मतलब ज़्यादा. कूल हॉट, कूल मतलब ठंडा, हॉट मीन्स गर्म. अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी. और स्काई, स्काई मतलब आसमान. लाइट, लाइट मतलब हल्का, लाइट का अपोजिट होगा हेवी, हेवी मीन्स होता है भारी. डाउन, डाउन मीन्स नीचे, और अप, अप मीन्स ऊपर. हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश. सैड, सैड मीन्स उदास. इनसाइड, अंदर की तरफ, और इसका अपोजिट होगा आउटसाइड, बाहर की तरफ. तो ये अपोजिट्स मैंने आपको बता दिए, इनके स्पेलिंग्स आप अपने चैप्टर से ढूंढेंगे या फिर अपने आंसर की से अपना ये वर्क कंप्लीट करेंगे, और इसको आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करेंगे. नाउ कम ऑन पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 पर आपको दिया है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इधर उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं, इनमें आपको मैचअप करना है. फर्स्ट आपको दिया हुआ है रेन, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ठीक है, बारिश क्या होती है, पानी की बूंदे है जो आसमान से गिरती है. अर्थ, अर्थ किसको कहेंगे, द वर्ल्ड वेयर वी लिव है ना, ऐसी दुनिया जहाँ हम रहते हैं. हैवी, हैवी का क्या मीनिंग होगा, हैविंग अ लॉट ऑफ वेट, जिसमें बहुत ज़्यादा वजन होता है. पडल, पडल मीन्स स्मॉल पूल ऑफ वाटर, छोटे छोटे पानी के जो गड्ढे होते हैं उनको पडल कहा जाता है. ब्रीथ, टेक एयर इन एंड आउट ऑफ आर लंग्स, जब हम फेफड़ों की सहायता से हवा को अंदर और बाहर करते हैं तो उसको कहते हैं ब्रीथ करना, सांस लेना. तो ये मैंने मीनिंग आपको बता दिए हैं. अब आप क्या करेंगे, रैन, तो रैन के सामने आप उसका मीनिंग लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, फिर अर्थ के सामने उसका मीनिंग लिखेंगे. तो ये आपको क्लास वर्क नोटबुक में करना है. ठीक है, थ्री क्वेश्चन करना है आपको क्लास वर्क नोटबुक में. एक तो जो वन वर्ड आंसर है वो, देन उसके बाद अपोजिट्स, देन उसके बाद मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. तो आप वर्ड्स लिखेंगे, वर्ड के सामने उसका डायरेक्ट मीनिंग लिखेंगे. कॉपी में आपको मैचअप नहीं करना है, मैचअप सिर्फ आपको बुक में करना है. बाकी कॉपी में लिखते टाइम आप रैन लिखेंगे, रैन के सामने उसका मीनिंग लिखेंगे. अर्थ लिखेंगे, अर्थ के सामने उसका मीनिंग लिखेंगे. हैवी, हैवी के सामने उसका मीनिंग लिखेंगे. पडल, पडल के सामने मीनिंग लिखेंगे. एंड ब्रीथ, ब्रीथ के सामने उसका मीनिंग लिखेंगे. नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन ईच ब्लैंक. आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको सिर्फ ये जो फिलअप्स हैं इनको फिल करना है. ये क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है. द स्काई इज डैश टुडे, तो क्या आएगा, क्लीन टुडे या क्लियर टुडे, क्लियर टुडे. द स्काई इज क्लियर टुडे, आज आसमान बहुत साफ है. द सन गिव्स अस, सन क्या देता है, सूर्य क्या देता है हमको, हॉट या हीट, तो क्या देता है, हीट. इसमें क्या आएगा, H-E-A-T, हीट. द एयर वी डैश आउट इज वॉर्म, हम जो सांस छोड़ते हैं वो क्या होती है, गर्म होती है. तो सांस छोड़ने के लिए क्या आता है, ब्रीथ, BREATHE. ब्रीथ की स्पेलिंग होती है BREATHE. डार्क क्लाउड्स वर डैश इन द स्काई, ठीक है, घने बादल आसमान में क्या करते हैं, फ्लोटिंग या स्विमिंग, तो क्या आएगा, फ्लोटिंग, FLOATING. यहाँ पर आप फ्लोटिंग लिखेंगे. वी कांट डैश वाटर वेपर इन द एयर, तो वी कांट लुक आएगा या सी आएगा, तो वी कांट सी वाटर वेपर इन द एयर. नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द मिसिंग लेटर्स. यहाँ पर भी लेटर्स मिसिंग है, या तो ओ डब्ल्यू आएगा या ओ यू आएगा, तो यह आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है. जैसे क्लाउड, तो क्लाउड की स्पेलिंग में क्या आता है, COUD. काउ, काउ की स्पेलिंग आप खुद लिखेंगे. यहाँ पर फ्रॉन की स्पेलिंग लिखना है, FROWN. फ्रॉन मतलब जो बहुत गुस्से में रहता है, जिसकी बोहें चढ़ी हुई होती है उसको बोला जाता है फ्रॉन, FROWN. हाउस की स्पेलिंग आप लिखेंगे, माउथ की भी आपको लिखना है. एंड ये क्या है, क्लॉन, क्लॉन मीन्स होता है जोकर, CLOWN. ठीक है, तो जो टफ स्पेलिंग्स है वो मैंने आपको बता दिए, बाकी की ये थ्री आप खुद करेंगे. तो यहाँ पे आपकी जो ये एक्सरसाइज है चैप्टर टू की कंप्लीट होती है. इतना वर्क सबको कंप्लीट करके रखना है, जो क्लास वर्क में बोला है वो आपको क्लास वर्क नोटबुक में करना है, और बाकी की जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में ही कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू.